वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन ज्योग्राफी ऑफ बायो ऑनलाइन क्लासेज एंड हियर वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी। फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपसे चर्चा की किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें क्या प्रक्रिया उनकी है, और इसमें हम राष्ट्रपति डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 55 तक टुगेदर विद आर्टिकल 58 हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा आर्टिकल 55 के अंतर्गत ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। तो पिछले वाले वीडियो हमने चीज़ों को देख लिया अच्छे तरीके से, अब हम समझेंगे कि इसमें जो प्रक्रिया है वो हमने थियोरेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्म में देखा पिछले वाले वीडियो में, अब थोड़ा हम थियोरेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे होती हैं। आइए समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आराम से आप देखेंगे चीज़ों को, बहुत ही इत्मीनान से कंसंट्रेट होकर देखिए, बहुत ही आसानी से चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। तो आइए बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब देखिए कैसे, वहाँ तो हमने पिछले वाले वीडियो में हमने मतों का मूल्य निकाला, किस प्रकार से मत का मूल्य निकाला जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि निर्वाचन कोटा जिसको प्राप्त हो जाता है वो फिर क्या हो जाता है, आपका राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो आइए बात करते हैं, देखिए जो प्रत्येक निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होता है, मतलब हर वो सदस्य, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो, चाहे वो राज्यों के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य हो, चाहे वो पुडुचेरी या फिर दिल्ली के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हो, प्रत्येक सदस्य जो निर्वाचक मंडल का है उसको एक वोट डालने का अधिकार होता है। ध्यान रखेंगे एक वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन 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 बात खत्म नहीं है, एक चीज़ और देखिए, लेकिन वह अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम इंगित कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊँ इस बात को, जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो जब सेंटर डालने की बात आती है, कोई एग्जामिनेशन सेंटर डालने की बात होती है, तो आप क्या करते हैं उसमें, आप अपना एक प्रेफरेंस लेते हैं ना कि भाई मेरे लिए सबसे सुटेबल सेंटर ये होगा, मुझे यहाँ पे जाने में पहुँचने में ज़्यादा आसानी होगी, तो सबसे पहले मैं सेंटर इसको मेंशन करूँगा ताकि अगर मुझे ये सेंटर मिलता तो मुझे अपने घर से या फिर जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे जाकर एग्ज़ाम देने में समस्या ना हो। उसके बाद आप देखते हैं कि उससे थोड़ा सा मुश्किल सेंटर कौन सा होता है आपके लिए, तो आप उसको फिर नीचे रखते हैं सेकंड नंबर पर, फिर देखते हैं कि उससे भी मुश्किल कौन सा होता है तो आप उसे थर्ड नंबर पर रखते हैं, फिर आप देखते हैं उससे भी मुश्किल कौन सा होता है तो आप उसे फोर्थ, फिर सबसे मुश्किल को आप लास्ट में रखते हैं कि यहाँ पर मैं जाने की मेरा कोई चांसेज नहीं बनता कि अगर यहाँ पर सेंटर जाता तो मैं शायद ही जाऊँ मैं इस जगह पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं जब आप एक फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान होती है। देखिए जब मान लीजिए कि 4-5 उम्मीदवार मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, अब उस 4-5 उम्मीदवारों में आप क्या करते हैं, आपको देना तो है एक ही वोट, आपके आपका जो अधिकार है बस एक ही वोट देने का अधिकार है, आप एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन 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 उसमें आप एक प्रेफरेंस फील कर सकते हैं कि ये बंदा जो ये जो आपका उम्मीदवार है इसको मैं सबसे पहले रखूँगा, मतलब सबसे पहले मेरा वोट किसको जाएगा, इसको जाएगा, दूसरे नंबर बंदा ये होगा, अगर मान लीजिए ये पहला बंदा इसको नहीं मतलब ये नहीं चुना जा पाता है तो दूसरे नंबर पे मैं इसको चुनना चाहूँगा, तीसरे नंबर पे मैं इसको चुनना चाहूँगा, चौथे नंबर पे मैं इनको चुनना चाहूँगा, ठीक है, पांचवें नंबर पे मैं इनको चुनना चाहूँगा। इस प्रकार से आप एक वरीयता क्रम जो है निर्धारित करते हैं, ठीक है, कि पहले सबसे पहली आपकी पसंद कौन है, ठीक है, जाएगा तो आपका वोट एक ही जाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा वोट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि पाँच लोग हैं चुनाव में तो पाँचों लोग को आप एक एक वोट देंगे, ऐसा नहीं है, वोट जाएगा एक ही, लेकिन एक वरीयता का क्रम वहाँ पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब वरीयता का क्रम निर्धारित किया जाए तो फिर इसमें मामला बनता कैसे आगे, देखिए उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि वरीयता का क्रम एक निर्धारित कर दिया, भाई हाँ यहाँ से पहले एक नंबर वाले को हम चुनेंगे, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर को चुनेंगे, फिर यहाँ पे चौथे नंबर चुनेंगे, इस प्रकार से वरीयता का क्रम इन्होंने निर्धारित कर दिया, फिर ये भी बी ने भी निर्धारित कर दिया। अब देखिए होता क्या उसके बाद, ध्यान से देखिए समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद होता ये कि मतदान के पश्चात प्रथम चक्र की गणना की, जब वोटिंग हो जाती है, जब सभी लोग वोट कर लेते हैं तब प्रथम चक्र की गणना की जाती है। देखिए प्रथम चक्र की गणना मतलब पहली बार गणना की जाती है, मतलब कि उम्मीदवारों में जो सबसे पहली वरीयता दी जाती है कि भाई सभी ने जो जिसको सबसे फर्स्ट वरीयता दी गई है, ठीक है, सबसे पहली बार जिसको वरीयता दी गई उसको ये माना जाता है कि ये वोट जो है इस व्यक्ति का इस पहली वरीयता प्राप्त व्यक्ति को जा रहा है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो इस ए का जो वोट है ये इस पहली वरीयता प्राप्त व्यक्ति को जा रहा है, मतलब जब पहली बार गणना की जाती है तो उसमें ये मान लिया जाएगा कि ए का जो वोट है वो सबसे पहली वरीयता प्राप्त व्यक्ति को जा रहा है, अब बी वाला भी, बी ने भी अपने कॉलम में जिसको मेंशन किया होगा सबसे पहली वरीयता प्राप्त, बी का भी वोट उस व्यक्ति को जाएगा, ठीक है, पहला वोट उसका उसको जाएगा। तो जब प्रथम चक्र की गणना की जाती है उसमें जिसमें कि पहली वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों के बीच मतों का बंटवारा होता है, मान लीजिए कि क्या हुआ कि मत डाल दिए गए, ठीक है, सबने अपना मत डाल दिया, अब ए ने मान लीजिए वरीयता चूज किया था तो ए ने
प्रथम चक्र की गणना हो रही है, तो पहले जिसको चूज किया होगा ए ने कि हाँ मैं इसको एक राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति को ए का वोट चला गया होगा। बी का वोट मान लीजिए किसी को चला गया होगा कि भाई बी ने एक वरीयता क्रम निर्धारित किया होगा जिसमें उसने बताया होगा कि मैं ये इस व्यक्ति को एक राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले देखना चाहूँगा, ठीक है, तो फिर बी का जो वोट था वो पहले वाले व्यक्ति को चला गया होगा। इसी प्रकार सी डी सभी ने मतलब जितने भी लोगों ने वोट दिया होगा उनके वरीयता क्रम में उन्होंने जो सबसे ऊपर जिस व्यक्ति को रखा होगा कि मैं इसे चुनना चाहता हूँ। तो जब प्रथम चक्र की गणना हुई होगी उस समय सारे उनके जो वोट होंगे वो अपने अपने प्रथम वैधता प्राप्त कैंडिडेट के लिए गए होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि प्रथम चक्र की जब गणना होती है उसके बाद जो वोट होता है वो पहले वैधता प्राप्त उम्मीदवार के पास चला जाता है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो अगर इस तरह से मत बढ़ जाता है, और मान लीजिए ऐसा होने पर अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए प्रथम चक्र की जब मतगणना होती है, जब मतों की गणना की जाती है, उस दौरान जो प्रथम वरीयता प्राप्त उम्मीदवार हैं उनमें मान लीजिए कि किसी एक को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है, मतलब 50% प्लस उसको जो है मतों का मूल्य मिल जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो कैंडिडेट है उसको फिर एक मतलब मतलब उसको चुन लिया जाएगा, उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसको राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। समस्या यहाँ नहीं होती, समस्या होती है आगे जब किसी भी उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा नहीं मिल पाता है, मतलब 50% प्लस मतों का मूल्य उसे नहीं मिल पाता है, तब समस्या होती है। तब आगे देखिए क्या किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए फिर क्या होता है, उसके बाद देखिए होता ये है कि लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो, ठीक है, प्राप्त न हो, तो जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल न्यूनतम है उसे निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। मान लीजिए उम्मीदवार कितने हैं, एक उम्मीदवार एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है। मान लीजिए कि क्यू एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको कि ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, आखिरी वरीयता प्राप्त रखा है, ठीक है। अब प्रथम चक्र की गणना हो रही है तो उसके बाद क्या हुआ कि जो क्यू आपके ये उम्मीदवार जो क्यू हैं इनको सबसे कम मत मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जब सबसे कम मत इनको मिलेंगे, मतलब जिसको भी सबसे कम मत मिलेंगे प्रथम चक्र की गणना में अगर कोई निर्वाचित नहीं हो पाता है, तो फिर आगे देखा जाएगा कि सबसे कम मत किसको मिले हैं, मतलब सबसे कम मत मूल्य किसको मिला है, ठीक है। तो आप मान लीजिए ऐसे क्यू आपको नजर आते हैं, क्यू जो है इनको सबसे ज़्यादा कम मत मूल्य मिला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अब जब दूसरे चक्र की गणना करेंगे तो उसमें इन क्यू को जितना भी मत मिला है इन क्यू को क्या करेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। कहेंगे भाई साहब आप जो उम्मीदवार हैं आप बाहर निकलिए, अब आपकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे कम मत मूल्य आपको मिले हैं, ठीक है। जब इनको बाहर कर देंगे तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कुछ लोगों ने इनको क्यू को भी तो प्रथम वरीयता प्राप्त रखा रहा होगा, भाई सबसे पहले हम क्यू को देखना चाहते हैं, कुछ लोगों ने रखा रहा होगा। तो अब क्या होगा कि जिन लोगों ने क्यू को पहले पर रखा था अब उनका मत क्या हुआ, क्यू बाहर निकल गए तो फिर अब क्यू का कोई मतलब नहीं रह गया, उनके मत का प्रथम वरीयता का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब होगा ये कि उन लोगों ने जिन्होंने क्यू को प्रथम वरीयता प्राप्त रखा था, अब ये देखा जाएगा कि उन लोगों ने क्यू के बाद द्वितीय वरीयता प्राप्त किस उम्मीदवार को, मतलब किस उम्मीदवार को उन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा था, द्वितीय वरीयता दी थी किस उम्मीदवार को। मान लीजिए कोई ऐसा उम्मीदवार, मान लीजिए आपके पी हो गए कि पी को उन्होंने द्वितीय वरीयता दी थी, तो अब क्या होगा जो क्यू को मत दिए गए थे वो सारे मत जो प्रथम वरीयता प्राप्त के हिसाब से गए थे वो सारे मत चले जाएंगे अब किसको, पी को चले जाएंगे, ठीक है। अब पी को सारे मत चले जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि केवल पी को ही जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पी को द्वितीय वरीयता पर ना रखे होंगे, जेड को रखे रहे होंगे, कुछ लोग वाई को भी रखे रहे होंगे, कुछ लोग एक्स को भी रखे रहे होंगे। तो इसमें मान लीजिए ये क्या होगा, अब मत जो क्यू को गए थे प्रथम वरीयता प्राप्त होने के नाते वो सारे मत अब क्या होंगे, अब लोगों के हिसाब से वरीयता क्रम जो उन्होंने अपना अलग अलग रखा रहा होगा, कुछ लोगों ने एक्स रखा रहा होगा, कुछ लोगों ने वाई, कुछ लोगों ने जेड, कुछ लोगों ने क्यू पी रखा रहा होगा, तो ये मतों का डिवाइड मतलब यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा फिर इन लोगों के बीच में, जो क्यू को मत गए थे प्रथम वरीयता प्राप्त होने के नाते वो सारे मतों का क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा द्वितीय वरीयता के अनुसार इन उम्मीदवारों में, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो मान लीजिए जब मतों को बंटवारा होगा तो कुछ मत किसी के पास बढ़ जाएंगे, इनके पास कुछ मत बढ़ जाएंगे, इनके पास भी कुछ मत बढ़ जाएंगे, इनके पास भी बढ़ेंगे, इनके पास भी बढ़ जाएंगे। तो अब ये देखा जाएगा कि जब मत बढ़ गए हैं तो क्या कोई ऐसा उम्मीदवार है जो इसने निर्वाचन कोटा को प्राप्त कर लिया है, तो आप देखेंगे कि अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो फिर वो चुन लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए इनके साथ अगर किसी ने फिर प्राप्त नहीं किया, अब जब किसी ने फिर प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या होगा, अब किसी ने फिर प्राप्त नहीं किया तो फिर उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, क्यों तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्यों तो बाहर हो चुके हैं, अब अगला प्रक्रिया क्या होगा, जो सबसे उसके बाद द्वितीय चक्र की जब मतगणना होगी, मतों के मूल्य की गणना होगी, तो उसमें जो सबसे कम मतों का मूल्य जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा, जिस उम्मीदवार को प्राप्त होगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि इसमें सबसे कम मत का मूल्य फिर किसको प्राप्त होता है, पी को प्राप्त होता है, ठीक है। मान लीजिए
मान लीजिए इसमें क्यू जेड को भी प्राप्त हो सकता है, वाई को भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एक ऑर्डर के तौर पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ए है इसने क्या किया, एक्स वाई जेड को इस प्रकार रखा है कि एक्स को सबसे पहले हम चुनेंगे, मतलब सबसे सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे, उसके बाद वाई को, जेड को, अब ठीक है, पी को, फिर क्यू को पाँचवें नंबर पर रखेंगे। तो ये एक जो वोटर है वो ए है, ए के अनुसार इसने अपना वरीयता, ए ने अपना वरीयता कम निर्धारित किया है। तो इसी तरह बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी, मतलब ढेर सारे ऐसे जो वोटर होंगे, इन सबों ने सभी ने अपने वरीयता क्रम को निर्धारित कर रखा होगा। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पे द्वितीय चक्र की मतगणना जब होगी तो उसमें हम देखेंगे कि जो सबसे कम है, जिसने मतलब मतों का मूल्य जिसको सबसे कम मिला है उसको हम फिर बाहर कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब जो मान लीजिए जिस पी को किसी ने क्या किया होगा, प्रथम वरीयता प्राप्त माना रहा होगा या फिर किसी ने द्वितीय वरीयता प्राप्त माना रहा होगा, तो अब जब चूंकि पी बाहर हो गया तो अब इसमें देखेंगे कि उसके बाद पी को जो प्रथम वरीयता माने रहे होंगे या फिर द्वितीय वरीयता माने रहे होंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी इन्होंने जो किसको किसको उसके बाद वरीयता दी है, मतलब दूसरे नंबर पर किसको रखा है, फिर तीसरे नंबर पर किसको रखा है, एक्स को रखा है, वाई को रखा है, जेड को रखा है, तब ये चेक किया जाएगा। अब जो उसके बाद जो जिस नंबर पर रखा जाएगा एक्स को, अगर मान लीजिए रखा गया दूसरे नंबर पर तो एक्स को इसके वोट चले जाएंगे, मान लीजिए वाई को रखा गया तो वाई को इसके वोट चले जाएंगे, जेड को रखा गया तो जेड को चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, पी के जो मतों के मूल्य जो प्राप्त हुआ था, अब इनका बंटवारा फिर एक्स वाई जेड के बीच में हो जाएगा, ठीक है। जब ये अब ऐसा होगा कि एक्स वाई जेड के बीच में पी के मतों का बंटवारा हो जाएगा, तो अब इसके बाद क्या होगा कि अभी इनके पास भी कुछ संख्या बढ़ जाएगी, मतों का मूल्य बढ़ जाएगा, एक्स के पास, वाई के पास भी बढ़ जाएगा, जेड के पास भी बढ़ जाएगा। अब देखा जाएगा क्या इनमें से एक्स वाई जेड में से किसी भी उम्मीदवार ने निर्वाचन कोटा हासिल कर लिया है। अगर किसी भी उम्मीदवार ने 50% प्लस मतों का मूल्य अगर हासिल कर लिया तो फिर उसे हम क्या कर देंगे, विजेता घोषित कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया चलती है। फिर मान लीजिए अगर किसी ने नहीं प्राप्त किया तो फिर वही प्रक्रिया, अब फिर जो सबसे कम जिसको मतों का मूल्य प्राप्त होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके मतों का बंटवारा बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के बीच में कर दिया जाएगा, फिर उसे चेक कर दिया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मतों का मूल्य प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो यही बात देखिए समझने वाली थी कि किस प्रकार से मतलब एक जो वरीयता क्रम होता है उसको निर्धारित किया जाता है, उसमें किस प्रकार से वोटों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है, और कैसे फाइनली जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वही बातें आप लिखिए कि लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो प्रथम चक्र में, ठीक है, तो जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य न्यूनतम है उसे निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसे प्राप्त मत अन्य उम्मीदवारों के बीच द्वितीय वरीयता के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाता है, मतलब सेकंड जो प्रेफरेंस दिया गया था उसके अनुसार जो है बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में उस व्यक्ति को जिसको भी बाहर कर दिया गया उसके मत को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है, बंटवारा कर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो जाए, ठीक है। एक बहुत ही आसान बात थी, मतलब थोड़ा सा था लेकिन आपने समझने का प्रयास किया, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया बेहतर तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब क्लियर हो गई कि किस प्रकार से एक उम्मीदवार का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, उसमें किस प्रकार से वोटिंग को जो है यहाँ पे मतलब वरीयता दी जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, आइए फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं। तो ये होता है क्या कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं कि पहले नंबर पर मैं इस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, अगर ये नहीं हो पाता इनकेस तो ये दूसरी वरीयता प्राप्त मेरा व्यक्ति ये उम्मीदवार है, तीसरी वरीयता प्राप्त मेरा उम्मीदवार ये है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं, फिर क्या होता है सदस्य फिर वे वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद फिर क्या होता है कि प्रथम चक्र की मतगणना, पहली बार मतगणना की जाती है। अब फिर देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा सदस्य उम्मीदवार है जिसको निर्वाचन कोटा प्राप्त हो गया है, देखा जाता है अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो गया है तो फिर उसको राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया जाता है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर अब क्या किया जाता है कि प्रथम चक्र के निर्वाचन में जिसको सबसे कम मत मूल्य मिला हो जिस भी उम्मीदवार को उसको क्या किया जाएगा, मतदान निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को जो मत मिले थे उन मतों का जो मूल्य था उसको अब द्वितीय वरीयता प्राप्त जो मतलब होंगे उसको बाकियों के बीच में उसको बांट दिया जाएगा उस मत के मूल्यों को, ठीक है। अब देखा जाएगा फिर चेक किया जाएगा द्वितीय चक्र की मतगणना होगी, फिर देखा जाएगा कि क्या किसी को निर्वाचन कोटा मिला, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वही प्रोसेस फिर आगे दोहराएंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक व्यक्ति को निर्वाचन कोटा हासिल न हो जाए, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे निर्वाचन कोटा मतलब किस प्रकार से उम्मीदवारों के बीच में वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है और किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, इसमें कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, तो आलोचनाएं क्या हैं इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या आलोचनाएं हैं। बात करें अगर निर्वाचन की प्रक्रिया की आलोचना, तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है, पहली आलोचना ये कही जाती है, ठीक है।
सबसे पहली बात तो ये कही जाती है कि भाई जो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, जो प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन और जटिल है। देखिए जाहिर सी बात है, एक सामान्य इंसान के लिए समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, जो मतलब एक तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए समझना ये मुश्किल है ही है, ठीक है। और आपने भी दिखा होगा कितनी जटिल है, लेकिन आपने समझने का इसे प्रयास किया और मुझे उम्मीद है आपने समझ चुके होंगे इसको। तो एक जटिल प्रक्रिया है ये माना जाता है, आलोचना की जाती है इस मुद्दे पर, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव है, राष्ट्रपति जो चुनाव है, प्रक्रिया क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, ओके। तो और अगर कुछ और आलोचना की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया गया है। जो आपने देखा होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, तो इसमें कहा गया कि ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ये गलत है, तकनीकी रूप से गलत है। तकनीकी रूप से गलत मतलब क्यों है? ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक जो विज्ञान है, जो राजनीतिक विज्ञान आपका है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है केवल बहुसदस्यीय निर्वाचन के क्षेत्रों में लागू होता है, ठीक है। कैसे, ये बात क्या है, आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि भाई जो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया गया है, ये तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो शब्द है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन के क्षेत्रों में ही ये बातें जो है लागू होती हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही लागू होता है। कैसे होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 50 सीटें हैं, ठीक है, और बहुसदस्यीय निर्वाचन, इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के पार्टियों से सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। इनका मतलब ये है कि बहुसदस्यीय का मतलब कि विभिन्न पार्टियों से क्या होंगे, सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पे किया जाएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 50 सीटें हैं तो कांग्रेस को भी मतलब लड़ने का मौका मिलेगा कि आप एक से 50 सीट मतलब लड़िए, बीजेपी भी लड़ सकेगी उसमें, SP भी लड़ेगी, ठीक है, BSC भी लड़ेगी, मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें ये तय कर दिया जाएगा कि भाई ऐसा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रत्येक में से जो है कुछ लोगों को चुना जाएगा कि इतने परसेंट या फिर इतने अनुपात में आप इस पार्टी से, इतने अनुपात में आप इस पार्टी से, इतने अनुपात में आप इस पार्टी से और इतने अनुपात में आप इस पार्टी से आएंगे। तो मान लीजिए ये कह दिया गया कि भाई 50 सीट है तो 30% कांग्रेस से और BJP से 20%, SP से 20%, 30% BSP से, ठीक है, एक अनुपात के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया कि इतनी सीटें हैं तो इसमें कितने अनुपात में कौन सी पार्टी से सदस्य आएंगे, बहुसदस्यीय, ठीक है, विभिन्न पार्टियों के सदस्य, विभिन्न पार्टियों के सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होकर आएंगे, केवल एक का नहीं होगा यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इसमें एक मतलब डिसाइड कर दिया जाएगा कि यहाँ पे जो आपके 30-30% है वो कांग्रेस से आएंगे, बीजेपी से 20%, इसी प्रकार से बाकियों से इतने इतने परसेंट एक अनुपात के तौर पर यहाँ पे लिया जाएगा इन 50 सीटों के अंतर्गत। तो आप देखेंगे 15 सीट आपकी कांग्रेस की तरफ से जाएगी 50 सीट में, 10 BJP की तरफ से जाएगी, SP की तरफ से 10 सीट जाएगी और 15 सीट आपकी जाएगी यहाँ पे BSP की तरफ से। तो इस प्रकार से देखेंगे टोटल 50 सीट यहाँ पे हो जाएगी। तो एक अनुपात यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, एक अनुपात रहेगा प्रत्येक जो आपके मतलब पार्टियाँ जो कि यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं उनका एक अनुपात रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आप देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब कांग्रेस है BJP है तो उसका एक अनुपात के तौर पर जो है कि इतने सदस्य यहाँ पे जाएंगे, इतने सदस्य यहाँ पर आएंगे, मतलब बहुसदस्यीय नहीं निर्वाचन यहाँ पे, एक सदस्य केवल है, केवल एक पर्सन है ना, केवल एक पर्सन को आप चुनेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि दो राष्ट्रपति बन सकते हैं आपके, ऐसा तो है नहीं। तो इस प्रकार से जो ये जो शब्द यूज किया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आलोचना में ऐसा कहा जाता है कि इसका मतलब जो होता है वो बहुसदस्यीय निर्वाचन के क्षेत्र में होता है। आप यहाँ पे केवल एक सदस्य, केवल एक सदस्य का निर्वाचन हो रहा है तो फिर आप इसमें कैसे लागू कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस बारे में कहते हैं कि भाई ये जो आपने शब्द यूज किया ये तकनीकी रूप से गलत है, ठीक है। तो बस कहते हैं तो अभी जान लीजिए, आप सुन लीजिए, कोई इसमें हम विवाद नहीं करेंगे, हम कहेंगे ठीक है तकनीकी रूप से गलत है, लेकिन ये असल में देखेंगे तो उतना गलत नहीं है, सही है, और इसकी अपनी अलग प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। चलिए आइए कुछ और इनके जो आलोचनाएं, उन आलोचनाओं पर थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। तो देखेंगे आप तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर अंत में 2 उम्मीदवार बचते हैं और दोनों को 50% जो है मूल्य प्राप्त होते हैं तो फिर क्या होगा, तो संवैधानिक प्रक्रिया में गतिरोध आ जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक सदस्य को जीतने के लिए निर्वाचन कोटा हासिल करना जरूरी है। अब निर्वाचन कोटा क्या है, 50% ज़्यादा आपको मत मूल्य मिलना चाहिए, मतलब 50% प्लस आपको मत मूल्य मिलना चाहिए ना। तो आप देखेंगे इसमें अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी स्थिति आती है कि दो सदस्य हैं, दो उम्मीदवार लास्ट में बचते हैं और दोनों ही उम्मीदवारों को 50% मत मूल्य प्राप्त होते हैं, मतलब किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं, आप क्या करेंगे, आप तो आप छटनी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि किसी को भी कम इसमें प्राप्ति नहीं, दोनों को बराबर प्राप्त है, तो आप किसी एक उम्मीदवार को यहाँ पे एलिमिनेट तो कर नहीं पाएंगे। तो यही यहाँ पे मतलब एक आलोचक कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बताइए आप क्या करेंगे, फिर तो एक संविधान में जो प्रोसेस दिया गया है कि इस प्रोसेस से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर संवैधानिक प्रक्रिया में गतिरोध आ जाएगा ना, फिर ये प्रक्रिया तो मतलब कारगर साबित नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई, ठीक है आप कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, ठीक है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 50% बिल्कुल मत मूल्य बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं। तो ऐसा व्यवहार में हम देख रहे हैं, व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको वेटेज नहीं देंगे, ओके। अब बात करें अगर तीसरे की बात करें हम, तो आगे मतलब चौथे आलोचना की बात करें, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल
कि सदस्यों के द्वारा उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम इंगित करना अनिवार्य नहीं है। अतः अगर बड़ी संख्या में निर्वाचक मंडल के सदस्य केवल पहली वरीयता देकर छोड़ देते हैं तो निर्वाचन प्रक्रिया में गतिरोध आ जाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि भाई जो आपने ये बात कही कि उम्मीदवारों के बीच में एक वरीयता का क्रम निर्धारित होगा, ठीक है, वो जो वरीयता का क्रम निर्धारित होगा, मान लीजिए कि ये बात आपने कही है निर्धारित करना चाहिए, लेकिन ये क्या अनिवार्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि हम निर्धारित करें ही करें, आपकी आपकी मर्जी, आप चाहे पहली वरीयता देकर या दूसरी वरीयता देकर ही छोड़ दें, या फिर आप सभी को निर्धारित करें, जितने भी उम्मीदवार हों उनका आप मतलब निर्धारित करें कि हाँ ठीक है इनको मैं चुनना चाहता हूँ इस वरीयता के अनुसार, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि मतलब जरूरी है नहीं, वरीयता क्रम निर्धारित करना जरूरी नहीं है। तो कई बार ये कहा गया कि ऐसा मान लीजिए हो सकता है कि अगर बड़ी संख्या में निर्वाचक मंडल के सदस्य केवल पहली वरीयता प्राप्त देकर छोड़ दें तो निर्वाचक प्रक्रिया में क्या गतिरोध आ जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं बारी केवल एक ही वरीयता देते हैं, दूसरे तीसरी वरीयता देते ही नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि मान लीजिए कि वरीयता एक दे रहे हैं और कुछ लोग एक मतलब एक ही सभी लोग एक वरीयता दे रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या में सभी लोग एक ही वरीयता दे रहे हैं, ठीक है, और निर्वाचक उम्मीदवार कई हैं, तो उसमें हो सकता है कि किसी को भी उसमें निर्वाचन कोटा ना मिले, ठीक है। और जब किसी को उसमें निर्वाचन कोटा नहीं मिलेगा फिर आप क्या करेंगे, वही आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे कि भाई ठीक है एक को एलिमिनेट करते जो सबसे कम मिला है, लेकिन आप उसे एलिमिनेट कैसे करेंगे जब दूसरी वरीयता दी ही नहीं गई है, जब दूसरी वरीयता दी नहीं गई तो आप किसी को एक को कैसे एलिमिनेट करेंगे। भाई अगर वरीयता क्रम निर्धारित रहता तभी ना जो सबसे कम मत मूल्य जिसको मिले उसको एलिमिनेट कर देते हैं आप, और उसके मूल्यों का बंटवारा जो आप बाकी सदस्यों में कर देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई एक ही वरीयता है तो आप उसको एक ही क्यों निकाल देंगे, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा फिर। तो जब वरीयता क्रम निर्धारित ही नहीं है यहाँ पे और किसी को भी यहाँ पे एक जो निर्वाचन कोटा वो प्राप्त नहीं होता, तो फिर आप कैसे किसी को एलिमिनेट करके उसके मतों का बंटवारा बाकी के उम्मीदवारों में करेंगे, एक समस्या यहाँ पे भी है। तो हम देखते हैं कि ये बात यहाँ पे एक आलोचना भी इस आधार पर भी की जाती है, तो ठीक है जायज़ आलोचना है, देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि मतलब व्यवहार में ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। बहुत ही मतलब एक देखा जाए तो एक तरीके से कहेंगे तो काल्पनिक अवधारणा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ऐसा मतलब मुश्किल है कि मतलब पहली वरीयता देकर ही लोग छोड़ देते हैं। और आजकल तो आप देख रहे हैं स्थिति ये हो गई कि ज़्यादातर मैदान में दो ही कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, एक आपकी मतलब दो जो बड़ी पार्टियाँ आपकी बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के ही उम्मीदवार रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें किसी न किसी एक को तो मेजॉरिटी मिल ही जाएगी, और जब मिल जाएगी तो फिर वो मतलब उम्मीदवार जीत जाएगा। और मतलब व्यवहार में ऐसी चीज़ें हमको नज़र नहीं आती, भले ही आलोचक इस प्रकार से इसकी आलोचना करते हैं। ओके, तो ये रही बात आपकी, तो हमने इसे समझा कि किस प्रकार से चुनाव में मतों का अलग अलग मूल्य होता है, विधायकों का, सांसदों का, और फिर किस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होती चलती है, किस प्रकार से प्रथम चरण के निर्वाचन में मतलब चुनाव में गणना की जाती है, उसमें अगर मान लीजिए कोई निर्वाचन कोटा हासिल कर लेता तो फिर वो राष्ट्रपति बन जाता है, कोई नहीं कर पाता तो फिर द्वितीय चरण की मतगणना होती है, फिर उसमें किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है जो सबसे कम वोट पाता है, मतलब वोट मूल्य पाता है व्यक्ति, उसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, फिर ये भी हमने देखा, फिर ये प्रोसेस चलता रहता जब तक कि एक व्यक्ति को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। फिर हमने इसकी आलोचना देखी कि क्या आलोचना है, निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधित आलोचना है कि हमने उस पर चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बताएं, और दोनों ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों भी आप अच्छे से देख लें और दिमाग में बैठा लें कि राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस आधार पर किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं देखा कंफ्यूज रहते हैं लोग, लेकिन आप अगर एक बार दो बार इसे ध्यान से देख लेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे किस प्रकार से राष्ट्रपति का क्या चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताएं, इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।